भारत में यूं तो कई अमीर लोग होते रहे हैं, पर शायद ही कोई हो जो रतन टाटा की बराबरी कर सके, क्योंकि रतन टाटा न केवल पैसों से अमीर हैं, बल्कि वह दिल से भी काफी धनी हैं। रतन टाटा भारत की वो हस्ती हैं जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज लाखों करोड़ों युवा रतन टाटा से प्रेरित होते हैं, क्योंकि उनका जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है। रतन टाटा एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट और टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। देखा जाए तो रतन टाटा ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने टाटा ग्रुप को इतना बड़ा बनाया है। रतन टाटा की मेहनत का ही नतीजा है कि आज टाटा ग्रुप कई अलग अलग क्षेत्रों में टॉप पर काबिज है। आज की इस वीडियो में हम टाटा ग्रुप को इन बुलंदियों तक ले जाने वाले रतन टाटा के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे रतन टाटा ने टाटा को एक ग्लोबल नाम बनाया। तो दोस्तों, रतन टाटा की कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1937 से, जब गुजरात के सूरत में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माँ का नाम सोनू था। नवल टाटा, जो कि रतन टाटा के पिता थे, वे जमशेद जी टाटा के छोटे भाई के गोद लिए हुए थे। जमशेद जी टाटा ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा ग्रुप की शुरुआत करी थी, जिसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने मुंबई के ही कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल से पूरी करी। आपको शायद जानकर हैरानी हो, पर जब रतन टाटा मात्र 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसके बाद रतन टाटा की परवरिश नवज भाई टाटा ने करी। 1962 में रतन टाटा ने कॉर्नल यूनिवर्सिटी यूएसए से आर्किटेक्चर में बीएस किया। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही वे काम करने लगे थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के साथ काम कर करी। उनको शुरुआत से ही कोई ऊपरी पोस्ट नहीं मिली थी, बल्कि उनको ऊपर पहुंचने के लिए काफी समय और मेहनत लगी। शुरुआत में उनको फर्नेस में काम करना पड़ता था। यहाँ काम करते हुए उनके मन में अपने फैमिली बिजनेस को लेकर इज्जत काफी बढ़ गई थी। साल बीतते गए और वे लगातार मेहनत करते रहे। 1971 में उनको नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड का डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया। ये कंपनी पहले से ही आर्थिक संकट से घिरी हुई थी और सब चाहते थे कि रतन इसको नुकसान से उभारें। इसी दौरान रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई भी करी, जहां उनको बिजनेस के उन पहलुओं को भी सीखने का मौका मिला जिनके बारे में वे पहले से नहीं जानते थे। 1977 में रतन टाटा को एक टेक्सटाइल मिल में भेज दिया गया, जो कि आर्थिक संकट से गुजर रही थी। इसके लिए रतन टाटा ने एक प्लान बनाया और कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के सामने पेश किया, पर उनके प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो मिल बंद कर दी गई। आगे चलकर उनको टाटा इंडस्ट्रीज में भेज दिया गया, जहां उन्होंने काफी मेहनत और लगन के साथ काम करा। 1991 में वो पल आया जब रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। इस डिसीजन का बहुत से लोगों ने विरोध करा और कुछ ने तो रतन टाटा की एबिलिटीज तक पर शक किया। लोगों को लगता था कि वे टाटा ग्रुप को नहीं संभाल पाएंगे, पर उन्होंने हर किसी को अपने काम से जवाब दिया। रतन टाटा ने महज कुछ ही वर्षों में टाटा ग्रुप के मुनाफे को कई गुना बढ़ा दिया। साथ ही टाटा ग्रुप को देश तक सीमित ना रखा और दुनिया भर में पहुंचाने का काम करा। रतन टाटा ने कई बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टेटली, जैगुआर लैंड रोवर और कोरस को भी खरीदा, जिसने टाटा को ग्लोबल ब्रांड बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। इस सब के अलावा रतन टाटा के हिस्से के 65% से अधिक शेयर्स चैरिटेबल ट्रस्ट्स के लिए हैं। रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी वे काफी एक्टिव रहे और हमेशा चर्चा का विषय बनते रहे। रतन टाटा के अवार्ड्स की बात करी जाए तो भारत सरकार द्वारा उनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों उपाधि मिल चुकी है। इसके अलावा उनको कई अलग अलग देशों में भी सम्मान मिला है। रतन टाटा की जितनी बात करी जाए उतनी कम है, पर दोस्तों, रतन टाटा वाकई तारीफ के काबिल भी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रतन टाटा की जिंदगी पर बनाई गई वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोज देखना चाहते हैं तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लाता रहूंगा।